100 दिन से चल रहे किसान आंदोलन को और मजबूत बनाने के लिए भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने मुजफ्फरनगर के रामराज अनाज मंडी से ट्रैक्टर रैली निकाली। इस रैली को खुद राकेश टिकैत ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और खुद ही एक सजा हुआ ट्रैक्टर चलाकर करीब 2-3 किलोमीटर तक इसकी अगुवाई की। ट्रैक्टर रैली बैराज होते हुए बिजनौर की ओर रवाना हो गई है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत किसान आंदोलन के 100 दिन पूरे होने पर रामराज में स्थित गुरुद्वारे पर पहुंचे। यहां उन्होंने गुरुद्वारे में मत्था टेक कर अरदास की। राकेश टिकैत ने बताया कि किसान आंदोलन के 100 दिन पूरे होने के उपलक्ष्य में ये ट्रैक्टर रैली करीब 15 जिलों में गांव-गांव पहुंचकर किसानों को किसान आंदोलन से जुड़ने के लिए जागरूक करेगी। इसमें जा गया 21 दिन का प्रोग्राम है इसका और ये निकलेगी यहाँ से शुरू हुई और उत्तराखंड को होती हुई पीलीभीत उत्तर प्रदेश के बहुत से जिले इसमें रहेंगे और इसमें कई बड़ी बड़ी मीटिंगें भी इसमें होंगी रास्ते में और ये 27 तारीख को ये गाजीपुर पहुंचेगी। अच्छा, इस उद्देश्य क्या है इस क्रांति? अरे उद्देश्य तो ये है कि एक तो पता चल जाएगा प्रशासन का वो छेड़खानी कर रहा कुछ नहीं कर रहा उसका पता चलेगा। जैसे यहाँ पे है घर घर जाकर ट्रैक्टर रोक के उन्होंने तो पता चलेगा ना कि अभी प्रशासन का दिमाग ठीक नहीं है, आगे करना पड़ेगा। ठीक, पता चल रणनीति बनाई जा रही है आगे आंदोलन को लेकर। बन रणनीति है, गाजीपुर पर चल रहा है हमारा वो आंदोलन। 100 दिन आंदोलन को हाँ हो गए तो अगले साल ये सर्दियों तक जाएगा। निमटा का मामला पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो भाजपा के जो दिग्गज नेता है वो बहुत सी पंचायतें कर रहे हैं, मुजफ्फरनगर पंचायत तो वही सभी के रख रहे हैं। अच्छा टिकैत साहब, आपने कहा एक बीजेपी का सांसद छूट के आएगा, कौन है वो, क्या है? और कोई कह रहे हैं जी हम भी किसानों के साथ में, मकावे किसानों के साथ में आ जाओ। अरे तो कहीं करो जा फोन, अजी हम भी साथ में हैं, मगा आ जाए सुखा साथ में नहीं आओ। नमस्कार, मैं हूं अंशु शर्मा और हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। ऐसे ही बाकी वीडियो देखने के लिए देखते रहिए द इंडियन समाचार और वीडियोस पसंद आने पर हमारे चैनल द इंडियन समाचार को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।